नमस्कार। लंबे मंथन के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बाकी बची 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ग्वालियर से प्रवीण पाठक, खंडवा से नरेंद्र पटेल और मुरैना से सतपाल सिकरवार नीटू को उम्मीदवार बना दिया है। इसके साथ ही प्रदेश की सभी 29 संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के लिहाज से स्थिति भी साफ हो चुकी है। ग्वालियर सीट से उम्मीदवार प्रवीण पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अहंकार में डूबी भाजपा कुछ भी कहे, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि इस बार ग्वालियर सीट कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। वहीं उनका कहना था कि मैं क्षेत्र की आवाज संसद में मजबूती से उठाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक अदने से कार्यकर्ता को अवसर दिया। छोटा केस नहीं, इससे बड़ा केस क्या होगा? लूट लगा है, डकैती लगी है, अपहरण लगा है। जिस भाई ने जो MBA है, BTech है, जिसकी खुद की कंपनी दिल्ली में है, जिसने आज तक कोई थाना नहीं देखा, कभी कचहरी नहीं देखी, उस पर ब्रासलेट की लूट का और मोबाइल की लूट का मुकदमा दर्ज है। सत्ता के मद का और सत्ता के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण लोकतंत्र में क्या हो सकता है? मुझे आश्चर्य है कि वो लोग अब ज्योतिषी भी हो गए हैं। जनसार्थी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।